गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर पर हमने पेट्रोमाइजोन, हैगफिश और एमोसीट लार्वा के बारे में पढ़ा। अब उससे आगे हम चलते हैं जूलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर। ट्रू फिश क्या होती है, जो पिसीज वर्ग है उसके अंदर आते हैं। गनेथोस्टोमेटा का पहला वर्ग है पिसीज, जिसमें ऐसे वर्ग यानी पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया, ये ऐसे वर्ग हैं जिनके अंदर जॉज डेवलप हो गए हैं। इससे पहले के एनिमल्स में जॉज यानी जबड़े नहीं पाए जाते थे। ये ट्रूफिश, ट्रूफिश क्या होती हैं? ट्रूफिश पूर्णतया जलीय होती हैं, स्वच्छ जलीय होती हैं या समुद्री होती हैं। इनका शरीर नौकाकार होता है, शंकु के आकार का होता है, सिर धड़ पूंछ में व्यक्त रहता है। गमन के लिए इनमें युग्मित या अयुग्मित फिन्स पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल के रूप में संपूर्ण शरीर पर शल पाए जाते हैं। अंतः कंकाल उपास्थिका या अस्थि का बना होता है। आहार नाल पूर्ण होती है, इसमें आमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत, मलाशय, गुदा और अवशकर पाए जाते हैं। इसके बाद पांच जोड़ी इनमें गिल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर कुछ मछलियों पर गिल कवर पाया जाता है, ऊपर गिलम कोष पर नहीं पाया जाता। इनमें श्वसन इन गिल्स के द्वारा होता है। द्विकोष्ठी हृदय होता है, इसमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दो एक्स्ट्रा चैम्बर भी पाए जाते हैं, जिनको साइनस विनोसस और कोनस आर्ट्रियोसस या ट्रंकस आर्ट्रियोसस कहते हैं। वृक्क मीजोनेफ्रिक प्रकार का होता है। ये सभी ये मछलियां जो है यूरियोटेलिक प्रकार की होती हैं, यानी अपने उत्सर्जन में यूरिया निकालती हैं। मस्तिष्क अग्र, मध्य और पश्चिम भाग में डिवाइडेड रहता है। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई थी इनमें, और ये अनएमनियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके भ्रूण के अंदर एमनियन झिल्ली का विकास नहीं होता। इसमें मछलियों के अंदर सबसे पहले जो कॉन्ड्रिक्थीस वर्ग है, जिसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है, उसकी पहली मछली आपके सिलेबस में स्फिरना है, जाइजिना या स्फिरना कहते हैं इसे। इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन इस प्रकार है, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन इसका गनेथोस्टोमेटा, क्योंकि इसके अंदर जॉज डेवलप हो चुके हैं, जॉज पाए जाते हैं। सुपर क्लास स्पीसीज, क्योंकि ये ट्रू फिश है, और क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, क्योंकि इनके एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। ऑर्डर हाइपोट्रीमेटा है, क्योंकि इनकी गिल्स जो है वो वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, वेंट्रल की साइड में खिसक जाते हैं। और इनका जीनस है स्फिरना, जिसे कॉमनली हैमर हेडेड शार्क कहते हैं, हथौड़े मछली कहते हैं, हथौड़े के समान इसका सिर होता है। इसका चित्र इसमें देखें कि लंबी लंबी तो पेक्टोरल फिन है, और उसके बाद में इसका जो सिर है वो एकदम से डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन होकर के एकदम लंबा हो गया, और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल टी, कैपिटल टी जो होता है उसके समान होती है। और ये अपने हथौड़े जैसे सिर से ही शिकार को घायल करके और उसे बेहोश करके और उसको अपना शिकार बनाती है। तो ये खतरनाक शार्क होती है, इसकी जो टेल है वो भी हेट्रोसर्कल है। अगर इसके शार्क को हम देखें कि किस प्रकार से ये तैरती है, तो समुद्र में ये तैरती हुई टी के आकार का इसका शरीर है, और अर्धचंद्राकार इसका माउथ है, आगे की तरफ दोनों साइडों में निकला हुआ, जिसके इसका सिर जिसके दोनों किनारों पर, दोनों एंड्स पर आंखें पाई थी, यानी इतनी डिस्टेंस से ये आंखें इसकी देख सकती है, और ये इतनी सारी इसमें स्फिरना या हैमर हेडेड शार्क तैरती हुई दिखाई गई हैं। इसमें बहुत सारे ये इनका भोजन होते हैं, इनके सामने कोई भी चीज आए उसको अपने भोजन में, इनका खतरनाक मुंह होता है एकदम से डरावना, और ये जब मुंह फाड़ती हैं तो उसके दांत ही दांत दिखते हैं, और वो अपने मुंह में उस चीज को ले जाती हैं। स्टिंगरे हो या कोई दूसरी मछली हो, ये अपने मुंह में उसको लेकर के उसको खत्म कर देती हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो हैमर हेडेड शार्क है, एक खतरनाक शार्क है जो समुद्र में पाई जाती है, और ये कार्टिलेजिनस फिश है। इसके सामान्य लक्षण अगर देखें तो इसको सामान्यतया हथौड़ा मछली कहते हैं, क्योंकि इसका सिर हथौड़े के समान या टी के समान होता है। इस स्फिरना समुद्र में पाई जाने वाली खतरनाक शार्क होती है। वयस्क स्फिरना की लंबाई लगभग 4 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक होती है। स्फिरना संसार के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल समुद्रों में पाई जाती है, हिंद महासागर में तो काफी संख्या में पाई जाती है। आंखें इनकी विस्तारित होकर के किनारों पर स्थित हो जाती है एकदम से दूर, जबकि किसी भी एनिमल में इतनी दूर मस्तिष्क से इतनी दूर आगे नहीं होती, जबकि स्फिरना के अंदर ये किनारों पर स्थित हो जाती है। अपने हथौड़े जैसे सिर से शिकार पर वार करके उसे घायल कर देती है, और उसके बाद में उसे खा जाती है। इसीलिए इसको हथौड़ा मछली कहा जाता है, हथौड़े के समान सिर है और हथौड़े की जैसे ही व्यवहार करती है। पेक्टोरल फिन काफी लंबे हो जाते हैं, और प्रथम पृष्ठीय और द्वितीय पृष्ठीय एवं जो विषमपुच्छ की इसकी जो हेट्रोसर्कल टेल है उसके अंदर इनमें लोकोमोशन होता है। उससे स्पाइरकेल इसमें नहीं पाया जाता। इसकी कशेरुकाएं एस्टीरोस्पोंडाइलस प्रकार की होती है। ये बच्चे देने वाली बीवी पैरस मछली होती है, ये अंडे नहीं देती बल्कि बच्चे देती है।
ये गहरे समुद्रों में पाई जाती है और उसी के लिए पूर्णतया अनुकूलित होती है। डीप सी जो अडेप्टेशन है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन इसका शरीर ये एक अनुकूलन है। ये अत्यंत खतरनाक प्रकार की मछलियां होती हैं जो अपने सिर से वार करके अपनी प्रे को या किसी भी चीज को घायल कर सकती हैं। उसके बाद दूसरी मछली की बात करें, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का नाम तो सुना हुआ है, विद्युत मछली जो विद्युत उत्पन्न करती है, इलेक्ट्रिक रे कहते हैं इसे। टॉर्पीडो मार्मोरेटा इसका पूरा जूलॉजिकल नाम है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन इस प्रकार है, फाइलम गॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन मैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास पिसीस, क्लास कॉन्ड्रिक्टिस, ऑर्डर हाइपोट्रीमेटा। हाइपोट्रीमेटा क्योंकि गिल्स इसके वेंट्रल साइड में आ जाते हैं, और इसका जीनस है टॉर्पिडो मर्मोरेटा। इसे कॉमनली इलेक्ट्रिक रे या इलेक्ट्रिक शार्क के नाम से जाना जाता है। ये इसका डायग्राम है जिसमें ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनमें पाया जाता है, और ये लगभग 100 वाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। इनमें इतनी क्षमता होती है कि 100 वाट का बल्ब वो उस सेकंड के लिए जल सकता है। तो इतनी हाई पावर की जो वोल्टेज है इनमें, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो स्पेशली ऑर्गन होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के द्वारा, इसमें से एक नर्व सप्लाई भी होती है, और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन ही इसका एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑर्गन है। और ये अगर इसको समुद्र में तैरते हुए हम देखना चाहें कि किस प्रकार से ये रहती होगी अपने आवास में, तो ये इलेक्ट्रिक फिश इस प्रकार से तैरती रहती है। बॉटम ड्वेलर है ये, यानी तली निवासी है, तल में पाई जाती है, क्योंकि इसका शरीर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। इसकी जो पूंछ है वो हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है, और इसकी जो पेक्टोरल फिन है और वो मस्त इसका जो सिर है उसके साथ में मिलकर के एक चौड़ा सेमी सर्कल बनाती है, और इस प्रकार से इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, लंबाई से ज्यादा इसकी चौड़ाई होती है। और इसकी कॉडल फिन की सहायता से इसमें मूवमेंट होता है, और ये धीरे धीरे तली में मूव करती हुई और जाती है, और धीरे धीरे जाती हुई, और इसके मुंह के सामने जो भी एनिमल, छोटे एनिमल आते हैं उन एनिमल्स को ये खा लेती है, और खाने के बाद में अपने वापस तैरती रहती है। अगर कोई बड़ा एनिमल है, बड़ी फिश है, और उसको इसको खाना है, तो उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रिक करंट देगी और उसे वो शॉक देगी, शॉक ने के बाद में उसको मार देगी और उसके बाद में उसको खा जाएगी। टॉर्पीडो के सामान्य लक्षण की बात करें तो वो इस प्रकार हैं। इसे विद्युत मछली कहते हैं क्योंकि अपने शरीर से एक विशिष्ट भाग से विद्युत उत्पन्न कर सकती है। इसका सिर लगभग वृत्ताकार होता है, किनारों पर सुरक्षा और शिकार के लिए 100 वोल्ट का पावरफुल शॉक देने के लिए इसकी आंख और पेक्टोरल फिन के मध्य में विद्युत अंग पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके विद्युत अंग में मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से जाने वाली एक तंत्रिका भी इनर्वेट होती है, तंत्रिका सप्लाई होती है। टॉर्पीडो संसार के प्रमुख समुद्रों में पाई जाती है, हिंद महासागर में काफी संख्या में पाई जाती है। आंखें इसकी विस्तारित सिर के मध्य स्थित होती हैं, 5 खुली गिल्स पाई जाती हैं जिनके ऊपर ऑपरक्यूलम नहीं पाया जाता, शरीर पर शल्क भी नहीं पाए जाते। प्रथम पृष्ठीय और द्वितीय पृष्ठीय और एक हेट्रोसर्कल टेल होती है जिसकी सहायता से इसमें मूवमेंट होता है। श्वसन के दौरान जल को स्पाइरेकल में खींच लिया जाता है और गिल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इस तरह से इसमें श्वसन होता है। टॉर्पीडो की पूंछ शक्तिशाली होती है जिसकी सहायता से ये जल में तैरती है, तली में तैरती है, बॉटम में ड्वेल करती है। टॉर्पिडो मार्मोरेटा हिंद महासागर में पाई जाने वाली विद्युत मछली होती है। ये संसार के भूमध्य सागर, लाल सागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर में खूब संख्या में पाई जाती है। ये ए प्लेसेंटल में भी पैरस होते हैं, ए प्लेसेंटल यानी इनमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता, लेकिन बच्चों को जन्म देती है। इनमें भ्रूण योक से पोषण प्राप्त करता है, इसके बाद में मादा के द्वारा यूटेराइन मिल्क स्रावित किया जाता है जिससे बच्चे बड़े होते हैं। और उसके बाद में अगली है काइमीरा, जिसे घोस्ट शार्क कहा जाता है। इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन इस प्रकार है, फाइलम क्लोडेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन नेफोस्टोमेटा, सुपर क्लास स्पीसीज, क्लास कॉन्ड्रिक्टिस, सब क्लास होलोसेफेलाइन, ये इसकी सब क्लास दूसरी है हुई है। जीनस इसका काइमीरा, इसको घोस्ट शार्क के नाम से जाना जाता है। ये इसका चित्र है जिसका सिर और ट्रंक दोनों ही मिलकर के एक हो जाते हैं, और इसका टर्मिनल माउथ और आगे की तरफ स्नाउट नुकीला स्नाउट पाया जाता है। इसका धड़ लंबा और पूंछ बिल्कुल एकदम चूहे की पूंछ के समान पतली लंबी रस्सी के समान हो जाती है। इसमें क्लास्पर्स पाए जाते हैं और पेक्टोरल फिन लंबी हो जाती हैं, और पेल्विक फिन भी पाई जाती हैं, एक डोर्सल कंटिन्यूअस फिन फोल्ड पाया जाता है जिसकी सहायता से ये। अब ये जो शार्क है वो किस प्रकार से इसमें गमन करती है वो इसमें हम इसमें देखें तो ये जो शार्क है इस प्रकार से इसमें गमन करती है। इसका जो कैमरा है ये ग्रुप में या सॉलिटरी
इसकी पूंछ देखें तो इतनी लंबी होती है, ये मूवमेंट इसका, ये लगभग 200 मीटर की गहराई पर ये पाई जाती हैं। लगभग 200 मीटर से लेकर के 2600 मीटर की गहराई तक ये पाई जा सकती हैं समुद्र की तली में। इनकी लंबी लंबी जो पेक्टोरल फिन है, ये काइमेरा मोन्स्ट्राटा के नाम से जानी जाती है, और इसमें ये पाई जाती है। काइमेरा के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इस काइमेरा को भूत मछली या हेरिंग्स का राजा, किंग ऑफ हेरिंग्स के नाम से जाना जाता है, या चूहा मछली भी कहते हैं। ये हाइड्रोलेगस जेनेरा से संबंध रखती है। काइमेरा संसार भर में काइमेरा की 25 प्रजातियां पाई जाती हैं। काइमेरा संसार के उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल ओशियन में खूब मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें बाह्य गिलचित्र होते हैं जो एक त्वचा के फ्लैप के द्वारा ढके रहते हैं। इनका स्पाइरिकल बंद रहता है। इनके ऊपरी जबड़ा अन्य उपास्थल मछलियों से अलग होता है और कोंड्रोक्रेनियम से जुड़ा रहता है। इनके दांतों के स्थान पर कठोर जबड़े पाए जाते हैं। इनमें दांत नहीं होते लेकिन कठोर जबड़े होते हैं, और कठोर जबड़ों के ऊपर एक हार्ड लेयर पाई जाती है। इस लेयर की सहायता से ये मोलस्का के कठोर कवचों को चूर चूर कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, और उन मोलस्का को खा जाते हैं। पार्श्वरेखीय तंत्र एक खांच के रूप में पाए जाते हैं। नर में अग्र क्लास पर पाए जाते हैं, सेफेलिक क्लास पर पाए जाते हैं, जबकि अन्य उपस्थित मछलियों में पशुभाग में होते हैं। ये अंडज होती हैं, अंडे देने वाली मछलियां होती हैं, और एक समय में एक ही अंडा देती हैं ये। तो इस प्रकार ये काइमेरा है। थैंक यू वेरी मच।